गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा रोहित व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज है हमारे वर्कआउट का डे 20, जो कि मैं 30 डेज वेट लॉस चैलेंज कर रही हूँ, जैसे कि आप सबको पता ही है गाइस। सो स्ट्रेचिंग कर दी है स्टार्ट गाइस, एंड उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपना वर्कआउट। सो अराउंड मतलब मेरी सारी एक्सरसाइजेज मिलाकर जो है मैं 15 से 16 एक्सरसाइजेज करती हूँ गाइस, जिनके मैं 20 रेपिटेशंस करती हूँ एंड 3 सेट्स करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि हम आपको व्लॉग में सारा नहीं दिखा सकते हैं, मैं बस आपको 1-1 सेट या 2-2 सेट दिखा देती हूँ। अगर मैं सारा दिखाऊंगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो वो फिर फ़ायदा नहीं है। एंड वैसे भी मेरा मेन मोटो क्या होता है गाइस कि मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज शेयर करूँ। रेपिटेशंस मैं आपको बता ही देती हूँ, सेट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं अगर बिगिनर्स की बात करूँ, अगर आप बिगिनर्स हैं गाइस, अगर जैसे कि आपकी डिलीवरी को अभी सी सेक्शन या नॉर्मल डिलीवरी को थोड़ा ही टाइम हुआ है, अराउंड 4-5 मंथ्स या 6 मंथ, तो आप जो है ना स्लोली स्लोली वॉक से स्टार्ट करें। ये वर्कआउट जो है तुरंत ना स्टार्ट करें, आप स्टार्टिंग में जो है वॉक करें, महीने 2 महीने 3 महीने जो है वॉक करते रहें। एंड उसके बाद जब आपकी बॉडी अलाउ करे कि अब आप वर्कआउट कर सकते हो तो आप वर्कआउट कर सकते हो। एंड अगर आप बिगिनर्स हो तो गाइज उसके लिए जो है डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, या तो आप ये कर सकते हो कि सिंपल एक्सरसाइजेस, इन सारी एक्सरसाइजेस में सिंपल एक्सरसाइजेस चूज़ करो एंड उसमें जो है आप 10-10 रेपिटेशंस लगा सकते हो, एंड 1 सेट भी लगा सकते हो, 2 सेट भी लगा सकते हो। और अगर आपको मेरी तरह टाइम हो गया करते करते तो आप सारी एक्सरसाइजेस के 20 रेपिटेशंस लगा सकते हो, 20-25 रेपिटेशंस एंड 3 सेट्स। धीरे 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 जो है आप इन चीज़ों को इनक्रीज कर सकते हो, ग्रेजुअली, बिल्कुल फास्ट नहीं, ग्रेजुअली करना है। तो ये सारी चीज़ें गाइस ज़रूर ध्यान रखनी है आप लोगों को वर्कआउट करते टाइम। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपको जो है पूछनी है चीज़ें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछिए गाइस, बिकॉज आई एम हेयर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉम्स लाइक मी। जैसे कि मैंने, मेरा भी सी सेक्शन है तो मैंने 8 मंथ्स के बाद, मैं चाहती तो गाइस पहले भी कर सकती थी, लेकिन मुझे ये था कि यार मेरा बच्चा भी छोटा है, टाइम मैं दे नहीं पाऊँगी एक्सरसाइज में, तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपनी बॉडी को भी रिलैक्स कर लूँ एंड देन मैं आराम से उसके बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। तो मैंने यही करा था, 8 मंथ्स के बाद जो है मैंने वर्कआउट स्टार्ट करा था। लास्ट ईयर 2022 अगस्त में मेरी डिलीवरी हुई थी एंड मैंने अप्रैल में स्टार्टिंग में जो है इनिशियल डेज पे मैंने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे जो है गाइस, स्टार्टिंग में तो मेरा वेट इतना ज़्यादा स्टक हो रहा था ना कि कम ही नहीं हो रहा था, देन मैंने चेंजेस करे अपने डाइट में, वर्कआउट में चेंजेस करे, देन जाके जो है आज मेरा वेट 76 से जो है 63 हो गया गाइस। एंड मैंने अभी तक जो है अपना वेट चेक नहीं करा है, बिकॉज बीच में मेरा वेट, जब मैंने चैलेंज स्टार्ट करा था तो मेरा वेट था 63.85, एंड उसके बाद अभी तक जो है मैंने चेक नहीं करा है, बिकॉज अगर मैंने बीच में चेक करा वेट तो फिर मुझे ऑब्वियसली डिमोटिवेशन होगी, जो कि मैं चाहती नहीं हूँ गाइस। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले व्लॉग्स में बताया, अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा तो आप हिम्मत बिल्कुल ना हारिए, आप अपना जो है वर्कआउट करते रहिए एंड एक ना एक दिन जो है आपको एक आपका आइडियल वेट ज़रूर अचीव होगा। तो मैं भी बस अपनी इसी जर्नी पर हूँ गाइस, बिकॉज आप समझ सकते हो बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, समटाइम्स मन नहीं करता है ऐसा कुछ खाने का, तो हम जो घर में बनता है मैं वही खा लेती हूँ। कई बार अनहेल्दी भी हो जाता है, बिकॉज अगर सबके साथ बैठे हैं, फैमिली के साथ सब खा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन भी होता है कि हम भी खा लें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है गाइज। एंड वर्कआउट करते करते आप देख सकते हो मुझे इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है गाइज, जितनी स्वेटिंग होगी उतना ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो जितना आप वर्कआउट करोगे, जितनी स्वेटिंग होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि स्वेट जितना बाहर निकलेगा आपकी बॉडी भी क्लीन होगी। अगर आप वर्कआउट करो तो आप बिल्कुल ही जो है बॉयल डाइट पे आ जाओगे, अगर आप डाइटिंग कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप घर का खाना खाओ, दाल रोटी सब्जी एंड दूध हो गया, दही हो गया, ये सारी चीज़ें खाओ एंड ग्रीन वेजिटेबल्स होगी, लीफी वेजिटेबल्स हो गई, सब कुछ खाओ,
एक्सेप्ट ऑयली फूड मत खाओ, फ्राइड मत खाओ, वाइट शुगर अवॉइड करो, रिफाइंड फ्लावर अवॉइड करो। एंड जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर मन होता है आपका खाने का तो आप वंस इन अ वाइल खा सकते हो। तो मेरे भी एक चीट डे होता है, बिकॉज संडे मैं फैमिली को देती हूँ और हम लोग कई बार आउटिंग के लिए चले जाते हैं, तो हमारा बाहर जो है थोड़ा बहुत खाना पीना हो जाता है। बट मैं पोर्शन कंट्रोल रखती हूँ, क्वांटिटी एंड पोर्शन दोनों आपने देखना है, बिकॉज पोर्शन कंट्रोल जो है आपके वेट लॉस में एक मेजर रोल प्ले करता है। सो ये सारी चीज़ें आप समझिए, ध्यान रखिए। जो भी चीज़ें नहीं समझ आती है मुझसे पूछ सकते हैं गाइज, बिकॉज वैसे तो देखो मैं भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी थ्रू आउट द ब्लॉग्स, थ्रू आउट माई वर्कआउट्स, डाइटिंग के साथ जो है शेयर कर रही हूँ। बिकॉज हम मेरा भी सी सेक्शन एंड नॉर्मल डिलीवरी दो बारी जो है हुई है, उसके बाद जो है मैं अपना वर्कआउट कम कर रही हूँ गाइज। बिकॉज फर्स्ट डिलीवरी के बाद तो मेरा आइडियल वेट मुझे 55 मिल गया था, बट दिस टाइम मेरा आइडियल वेट 58 है। अगर कम हो जाता है और तो वो तो मेरे लिए ऑब्वियसली सोने पे सुहागा होगा, बट कोई बात नहीं गाइज, मेरा इस बार आइडियल वेट 58-59 मैक्सिमम है। सो मुझे बस इतना ही करना है। तो बनी रहे मेरे ब्लॉग में, जिसने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आपको मेरे हर ब्लॉग की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। एंड बस इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं वर्कआउट। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स चैलेंजेस वाले, वर्कआउट वाले अच्छे लग रहे होंगे। एंड वर्कआउट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी डे 20 की फुल डे की डाइट। सो गाइज शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ डे 20 की फुल डे की डाइट। नॉर्मल वाटर पीने के बाद मैंने यहाँ पे एक कप जो है लिया है ल्यूकवार्म वाटर, जिसमें हाफ लेमन स्क्वीज करा है। उसके बाद कुछ सोक्ड एलमंड्स लिए हैं, एंड साथ में मैंने ब्रेकफास्ट में आज बेसन का चीला बनाया, जिसमें मैंने सिर्फ नमक एंड मिर्ची ही डाला है और कुछ भी नहीं। तो ये आप डोसा या चीला कुछ भी कह सकते हैं। अंदर मैंने अनियन एंड पनीर की जो है फिलिंग करी है, क्योंकि जो बेसन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है आपके वेट लॉस में। इसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, एंड पनीर में तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही कि प्रोटीन होता है। तो ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, रेडी हो चुका है। साथ में मैंने विदाउट जैगरी चाय लिया है, और ये घर की बनी हुई मैंने तीखी वाली चटनी ली है जो मैंने खुद बनाई है घर पर।
तो गाइज अगर आप जैसे डेली डेली चीले वगैरह खा के बोर हो जाते हो ना, इस तरीके से अंदर फीलिंग करके खाना बहुत ही यम्मी लगता है। देन लंच में रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो यहाँ पे मैंने गुआवा लिया। गुआवा मेरा फेवरेट है। साथ में मैंने ना ये घी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें आलू की क्वान्टिटी कम है, घिया ज़्यादा है, एंड मुझे ये वाली सब्ज़ी काफ़ी पसंद आती है, तो मैंने इसलिए सिर्फ सिंपल यही लंच किया। देन इवनिंग में थोड़ी बहुत छोटी सी भूख लग रही थी, तो मैंने पनीर की थोड़ी सी भुर्जी बनाई एंड उसके ऊपर प्याज डाला, एंड बस एक ही ब्रेड का पीस लिया था उसको फोल्ड करके, और साथ में विदाउट जैगरी चाय के साथ लिया, हाफ कप चाय है गाइस ये, एंड साथ में वही चटनी ली है। सो इस तरीके से जो है गाइस, होता है ना कि अगर आपको कुछ ऐसा अलग खाने का मन है तो ये भी डिफरेंट खाना पीना भी हो जाता है, आपका जो एक टेस्ट बर्ड्स होते हैं कि हमें ये खाना है वो खाना है वो भी फुलफिल हो जाता है, एंड प्लस हेल्दी का हेल्दी रहता है। डिनर में मैंने आलू और चने की सब्जी बनाई थी, एक रोटी ली, साथ में अचार लिया। तो ये है मेरी डे 20 की फुल डे डाइट। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा गाइस। अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी के साथ मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड इसी तरीके से मेरे वर्कआउट को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। सो मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।